देख रहे हैं द बीएनवाई न्यूज। मैं विवेकानंद यादव। आज रविवार का दिन है और 5 अप्रैल पीएम मोदी के संदेश के माध्यम से आज भारत के हर व्यक्ति को अपने बत्ती को ऑफ करके टॉर्च, लालटेन, दिया, बत्ती और मोमबत्ती जलाना है। 9:09 तक यह बत्ती जलानी है, जिसके लिए लोगों को कहा गया है कि आपको बाजार से कुछ खरीद कर नहीं लाना है, जो आपके घर में व्यवस्था है उसके मुताबिक आप करें। यह एक संदेश कोरोना से लड़ने का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। लोग कोरोना से पीड़ित हैं, 3000 से बेसी संख्या हो गई है कोरोना पीड़ित की भारत में। बिहार की बात अगर आप करते हैं तो 31 से 32 मरीज हैं, जबकि राहत भरी बात है कि पूरे भारत में और बिहार में कुछ ठीक भी मरीज हो रहे हैं। और अफवाह फैलाने वाले तरह तरह के वीडियो डालकर अफवाह फैलाते हैं, जो हिंदू और मुसलमान का रंग इस तबलीगी जमात के मामले को देना चाहते हैं, इस अफवाह से भी बचना है। बिहार सरकार के नीतीश कुमार को अच्छी खासी राशि प्रधानमंत्री ने दिया है, जो उनका मांग था। और बिहार के सहरसा के मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव दिल्ली में लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और वो घूम घूम कर रुपया हो या खाना बांटने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी आह्वान किया कि लालटेन जलाकर पूरे देश के साथ खड़ा होना है। वहीं तेज प्रताप यादव ने भी संदेश जारी किया है। ऐसा प्रतीत होने लगा है कि पूरे भारत में कोरोना से लड़ने के लिए हर दल, हर व्यक्ति एक साथ जुड़ चुके हैं। उधर विद्यार्थियों के लिए बिहार सरकार ने प्राइवेट स्कूल वालों को निर्देश दिया है कि ऑनलाइन आप पढ़ाई करा सकते हैं। बच्चों को पढ़ाई लिखाई की कमी हो रही है, घर बैठे हुए हैं। जो लॉकडाउन का पालन करना है, लॉकडाउन के पालन में सख्ती बरती जा रही है। जो लोग नहीं मानते हैं या जो सरकार के कानून के खिलाफ खड़े होते हैं, उनसे सख्ती बरती जा रही है, या माला पहनाकर उन्हें शर्मिंदा किया जाता है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें। सबसे बड़ी बात है कि तबलीगी जमात के लोग देश के कोने कोने में जाकर इस बीमारी को फैला दिए हैं, जो चिंता का विषय है। और व्हाट्सएप हो या वीडियो जो डाला जाता है व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में तरह तरह के अंधविश्वास भरे शब्दों को बोलकर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग तरह तरह की बात प्रचारित करके हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं और कुरान की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं कि उन्होंने ऐसा संदेश दिया, उन्होंने ऐसा संदेश दिया, ऐसे करने से ऐसे होता है। जबकि आपने देखा होगा, एक ऐसा भी वीडियो प्रसारित हुआ जो मैंने भी देखा, कि फल बेचने वाले मुस्लिम हैं और वो थूक लगा लगा कर, अपने मुंह से थूक लगा कर फल में फल सजा रहे हैं बेचने के लिए। वहीं एक ऐसे भी व्यक्ति को देखा गया, वो भी मुस्लिम थे, जो नोटों में नाक और मुंह पोछ पोछ के रख रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें हो रही है, इस तरह के बातों का सरकार खंडन भी कर रही है और ऐसे लोगों को कार्रवाई करने की भी बात कह रहे हैं। और सरकार ने निर्देश दिया है कि गलत अफवाह फैलाने वाले को पकड़ी जाएगी। लेकिन जो भी टिकटॉक पे या व्हाट्सएप में वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, सूत्र के हवाले से जो जानकारी मिलती है, यह जानकारी मिलती है कि यह पड़ोसी मुल्क के लोग इस तरह का वीडियो बनाकर भारत के लोगों को उकसाने के लिए प्रसारित करते हैं। और कई जगह पर पुलिस के साथ भी बेअदबी लोगों ने किया है। सारे लोगों पर आंसुका लगाई जाएगी, कार्रवाई करी जाएगी। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन पर आइसोलेशन के लिए ट्रेन को तैयार कर दी गई है। पूरे बिहार में
लोगों की जांच की जा रही है कौन कोरोना पीड़ित है, कौन बीमारी से ग्रसित है। अभियान जोर का है, सरकार अपने माध्यम से लोगों के खाते में राशि भी डाल रहे हैं, जनधन खाते में भी राशि 1000 डाली जाएगी। जो मजदूर तबके के लोग हैं, आधार कार्ड से लिंक है, उनके खाते में भी पैसा डाला जा रहा है। किसानों को 2000 रुपया उनके खाते में डाला जाएगा। हर तरह का प्रयास सरकार अपने स्तर से कर रही है। लोगों को अब अपने घरों में ही रहना है। आप अगर सोशल डिस्टेंस को बनाए रखते हैं तो आपकी जान बची रहेगी। सरकार का निर्देश का पालन करना है। आज अन्य मुल्कों की जो हालत है, आज जो अन्य देशों की हालत है, आप टीवी चैनलों में भी देख रहे होंगे, बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। इसलिए मैं आपसे यह आग्रह करूंगा, अपील करूंगा, अपने घरों में रहें। बहुत जरूरी काम हो तो ही निकले, अन्यथा अपने घरों में रहें। सोशल डिस्टेंस बना के रखना जरूरी है। पीएम मोदी देश के फिल्म स्टार हो, क्रिकेटर हो, उद्योगपति हो, हर क्षेत्र के लोगों से बात करना प्रारंभ किया है। और 8 तारीख को विपक्ष के जितने भी नेतागण हैं, उन लोगों से भी बात करने की बात कही है। तो आज बिजली बत्ती ऑफ करके जो टॉर्च जलानी है, उसकी तैयारी बिजली विभाग ने कर ली है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि लोड घट जाने से ग्रिड फेल हो जाएगी, लेकिन सारी तैयारी कर ली गई है। आप अपने फ्रिज पंखा वगैरह को जला भी सकते हैं, जल भी सकती है, कोई बात नहीं है। लेकिन आप प्रधानमंत्री के बताए हुए निर्देश के मुताबिक आज 9:09 के लिए बत्ती जलाकर एक संदेश देश में दें कि हम सब भारतीय एक हैं। और वो लोग जो अपने जान जोखिम में डालकर हमारी सेवा कर रहे हैं, उन्हें भी धन्यवाद देना जरूरी है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।